आज हम लोग पढ़ेंगे अखंड भारत के बारे में, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा नक्शा में, ये क्या है? पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और यहाँ पे ये क्या है? म्यांमार है। ये जो आप आज आपको ये अलग अलग देश दिख रहा होगा, ये सब अलग अलग देश नहीं, ये सब पहले क्या था? भारत का ही पार्ट था। तो हमारे ये अखंड भारत का सबसे पहला टुकड़ा कब हुआ था? जब ये हमारे भारत और ये अफगानिस्तान जो आपको दिख रहा है नक्शा में, इस अफगानिस्तान और भारत के बीच एक डुरंड लाइन खींच दिया गया था। तो ये डुरंड लाइन आपका खींचा गया था 1893 में। डुरंड लाइन यानी रेखा 1893 ईस्वी में अखंड भारत का पहला टुकड़ा हुआ, जब अफगानिस्तान और भारत के बीच में क्या खींच गया था? डुरंड लाइन खींच दिया गया था। कब? 1893 में। इस अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा तब हुआ जब 1935 ईस्वी में इस म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। तो भारत को म्यांमार से कब अलग किया गया था? 1935 ईस्वी में। यह था अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा। और अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा तब हुआ जब भारत से क्या हुआ था? पाकिस्तान अलग हुआ था। कब? 1947 में। तो यह था अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा।